नमस्कार, स्वागत है आपका R9 टीवी में और मैं हूं ऋतुवेश। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सीधे जम्मू कश्मीर से आ रही है, जहां पर जम्मू कश्मीर में तिरंगा लहराया गया है। तो श्रीनगर सचिवालय में जो राज्य का पहले झंडा हुआ करता था, उसको हटा के अब वहां पर तिरंगा लहराया गया है। इसके साथ ही जानकारी ये भी मिल रही है कि जो तमाम सरकारी इमारतें हैं, वहां पर भी जल्द ही तिरंगा लहराया जाएगा। तो इससे पहले आपको बता दें, जब धारा 370 वहां पर थी, तो राज्य का एक अलग झंडा हुआ करता था, एक अलग संविधान हुआ करता था, एक अलग दंड संहिता वहां पर हुआ करती थी। लेकिन धारा 370 को हटा दिया गया, उसके बाद से वहां पर भारत का संविधान लागू होगा। तो इसी के साथ जो बदलाव है वो एक एक करके किए जा रहे हैं, जिसमें आपको बता दें कि सभी सरकारी दफ्तरों पर तिरंगा लहराया जाएगा। फिलहाल श्रीनगर सचिवालय में जो राज्य का झंडा था पिछले हफ्ते तक, जहां पर हमने देखा था कि भारत का तिरंगा और साथ ही राज्य का झंडा हुआ करता था, अब वहां से राज्य के झंडे को हटाकर भारत का तिरंगा वहां पर लहरा रहा है, यानी कि भारत का राष्ट्र ध्वज वहां पर लहरा रहा है। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि हालात जो श्रीनगर के हैं, जम्मू कश्मीर के हैं, वो फिलहाल सामान्य बने हुए हैं। जिस तरह की पाबंदी पहले वहां पर थी, उनको अब करके हटा दिया गया है, और इसके साथ ही हालात अभी फिलहाल सामान्य जम्मू कश्मीर में बने हुए हैं। ज्यादा अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए R9 टीवी के साथ।